कैसे हो भैया लोग? सब बढ़िया कि नहीं? तो मेरा तो गुड मॉर्निंग अच्छा हुआ, आज तो सुपर क्लास वाली नींद आ गई थी। आपको ये देखो आग के नीचे जो दिख रहा है ना, ये लाइन, ये नींद नहीं पूरी हो। Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all be okay. तो ना मोटी हो जाती है, तो मैं कल शीशे में देख रहा था यार, कितना भद्दा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, नींद कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब से आई एम डिसाइडेड कि रात को ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाऊंगा, डायरेक्टली मोबाइल रख दूंगा और सो जाऊंगा। जो भी काम करना होगा सुबह दिन के उजाले में करूंगा। और रात को मोबाइल ज़्यादा देर तक चलाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, सो आई नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। तो अभी सोच रहा हूँ मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरी बस आने में अभी बाकी है 15 मिनट, तो मैं 15 मिनट का पूरा मौके का फायदा उठाने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक बंगाली रेस्टोरेंट में, जहाँ पे मैं अपना एक चाय लूंगा और पराठे लूंगा। पहले पेट पूजा होगा, फिर जॉब के निकलूंगा। मैंने टिफिन तो रेडी कर रखा है बट भूख नहीं थी, मैं चाय की तरफ लगी है। तो आई एम चाय लवर ऑल्सो, तो जाता हूँ चाय बनाता हूँ। मैं चाय बनाता बोल रहा हूँ, जाता हूँ चाय पहले पीता हूँ। और लेना है तो मैंने ऑर्डर किया एक चपाती एक चाय, तो अभी आएगा, फिर इसके बाद में हम खाएंगे और पियेंगे, एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए बाकी सब बढ़िया है, देखते रहिए। ऐसा बैंग छोटा सा रेस्टोरेंट है, चाय पराठों को चपाती बोलिए, और केरला वाले में जाएंगे अगर उसको चपाती बोलेंगे तो आपको वीट की रोटी मिलेगा। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। नाश्ता तो बढ़िया से हो गया, क्या ऐसी किरकिर कर रहा है यार, नया लगो। कुवैत में रहते इतना पैसा कमाते फिर भी नहीं लगवा रहे हो। ओके, मजाक कर रहा था यार, थोड़ा साउंड कर रहा था। तो भाई साहब नाश्ता वाश्ता हो गया अपना, अब चलते हैं कमाने के लिए। पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, तभी तो सर्वाइव हो पाएगा, और जब सर्वाइव हो पाएगा तो फिर अच्छा लगेगा, हमें भी हमारी फैमिली वालों को भी, वो लोग भी खुश रहेंगे कि हाँ बच्चा मेरा काम कर रहा है और साथ में खा पी भी रहा है। अगर मैं बिना खाए पिए कमाऊं तो ऐसे पैसों का कुछ मतलब नहीं रहेगा। इतना भी कमाया होगा डॉक्टर के पास में दे दूंगा, फिर क्या मतलब रहेगा। तो भाई साहब जो भी आएगा ना, तो अपना सेहत का ध्यान जरूर रखना। तो कभी कभी नहीं रख पाओगे बात अलग है, क्योंकि इतने थक जाते हो तो डायरेक्टली सो जाते हो। और कभी कभी ऐसा होगा कि फ्रिज में रख रख के आपको दाल सब्जी खानी पड़ेगी। आई दैट इज हैपनिंग विथ मी ओनली, तो चलेगा, इट्स ओके, समटाइम होना भी चाहिए, आपको लर्न करने मिलेगा। यार देखो ना चिड़िए लोग कितने प्यासे हैं, वो लोग रोड पे हैं, थोड़ी सी पानी गिरी हुई है तो वो पी रहे हैं। अगर हो सके तो आप लोग धूप में थोड़ा सा पानी रख दीजिए। हमारे बिल्डिंग के नीचे रखा जाता है, जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये है वाटर, बिल्डिंग के नीचे रखा जाता है इन पंछियों के लिए, तो ये लोग पीते हैं और यहीं से खाते हैं, इनका जीवन यापन हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये हमारी बिल्डिंग के नीचे रखा जाता है, इट्स गुड फॉर, पानी पिलाओ यार, पुण्य का काम है। पहली बात ही हम अपने सीट पे बैठे हैं, सबसे लास्ट वाला सीट लिया है, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में आसानी होती है। अगर आगे बैठ के बनाएंगे सब गप्पर गप्पर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अकवर्ड फील होता है यार, क्या चल रहा है, कोई देख रहे हैं क्या कर रहा है, तो कोई ऑब्जेक्शन ना उठा रहे नहीं, पीछे बैठते हैं और पीछे की सीट का इंजॉय करते हैं, उधर पर भी बात कर लेते हैं और एडिटिंग भी कर लेते हैं। अभी थोड़ा सोच रहा हूँ बाहर का शूट कर लेते हैं, वीडियो बहुत अच्छा आ रहा है। और धीरे धीरे भाई साहब गर्मी इतनी बढ़ने वाली है, आपने सोची ना कि इतनी गर्मी बढ़ने वाली है यहाँ पर, और क्या और बताने के लिए बहुत कुछ है, बट यहाँ पे मेरे पास में माइक नहीं है, तो इसकी वजह से मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है। माइक होता तो क्या ही बात होगी। अभी थोड़ी देर 10-15 मिनट में हम पहुँचेंगे अपनी जॉब पे, तो हमारा दिनचर्या ऐसे ही चलता रहेगा।
एक और चाय पीने का मन कर रहा था तो एक और चाय ले लिया। बाकी तो बढ़िया चल रहा है मेरी लाइफ में और जिंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसे की जो किल्लत थी उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जो सर है ना ईवीएस वाले टीचर, जब मैं कॉलेज में था तो उन्होंने कहा था कि आज से मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, उन्होंने कहा था कि तुम अपने जिंदगी के तीन साल खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर दो, बाकी के 30 साल मस्त दबा के इंजॉय करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और मतलब दो ऑप्शन दिए थे, पहला ऑप्शन ये बताया आपको, दूसरा ऑप्शन ये था कि 3 साल खूब इंजॉय करो अपने जिंदगी के और 30 साल खूब गधा मजदूरी करो। तो मेरे को, मैंने ना उस समय दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया, मतलब मेरे कॉलेज के टाइम पर, और मेरे क्या बताऊँ तुमको, इतना इंजॉय किया मैंने कॉलेज के टाइम पे, इतना मस्ती, इतना मूवी, इतना थिएटर कि कोई हद नहीं। ऐसा कोई पिक्चर नहीं छूटता था कि मैं जाऊँ ना, पैसे का जुगाड़ यहाँ वहाँ से तो हो जाता था, कभी फ्रेंड के साथ में, कभी खुद की सैलरी आई होगी तो फिर ऐसा सीन था। मगर उनका कॉन्सेप्ट आज मुझे समझ में आ रहा है, जो आज बहुत ज़्यादा झकझोर के रख दिया है। तकलीफ इस बात की है कि मैं उस पहले क्यों नहीं समझा, बोलते हैं ना जब ठोकर लगती है तब समझते हैं। तो यार अगर आप भी कोई भी ऐसे स्टेज पे हो तो अपने जिंदगी के 3 साल इस ऐसे कोई चीज में डाल दो यार कि आगे के 30 साल बैठ कर इंजॉय करके कमाओ, खाओ, पियो, इंजॉय करो। और नहीं तो फिर मेरी तरह करना, जैसे मैंने गलती की है, गलती तो गलती, जिंदगी के 3 साल मजा कर लो कॉलेज टाइम पे, इधर जाओ, गर्लफ्रेंड घुमाओ, थिएटर जाओ, सब कुछ करो, और आगे के 3 साल धक्के खाओ सारा। एक एक रुपए के लिए तरसो, 100-100 रुपए के लिए मम्मी पापा से मांगो और फिर बाद में डांट सुनो, तो नालायक कुछ करता नहीं है यार। सच में ये मेरे साथ में हुआ, स्टार्टिंग में मजा किया और यहाँ पे आके मतलब वहाँ पे सजा कर रहा हूँ, अब मैं उस गलती को सुधार रहा हूँ। अभी अपनी जिंदगी के 3 साल खूब स्ट्रगल करूँगा, फट्टे मतलब फट्टे, जितना हो सकता है उतना, सोऊंगा कम और चलेगा, सेक्रीफाइस करूंगा, मगर बाद में आने वाले समय पे मेरे को ये तो नहीं करना पड़ेगा यार, किसी से भीख तो नहीं मांगना पड़ेगा, पैसे दे दो, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। रिलेटिव वाले कब तक आपको साथ देंगे, जब तक आपके पास में पैसा है। जिस दिन आपके पास में पैसा नहीं रहेगा ना, आपका सगा भाई भी आपको नहीं पूछेगा, ये फैक्ट है भाई, ये दुनिया देखने के बाद में मैं रियलाइज कर रहा हूँ। मशीन की चाय है, मेरे को बढ़िया लगी, हमारे यहाँ पे भी है इस अकोमोडेशन में, बट उसमें शुगर ज़्यादा आता है तो मैंने नहीं लिया वो, मगर ये जो बाजू वाले शॉप में है वहाँ आपसे लिया, शुगर कम आता है इसलिए अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा स्वीट का फैन नहीं हूँ। और आपको एक बात बता दूँ, जो वीज़ा है ना 18 नंबर का वीज़ा सब लोग बोल रहे हैं, मुझे भी तो उतना नहीं ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर मेरे उस इजिप्शियन मैनेजर साहब ने बताया है जो मैं आपको बता सकता हूँ, ये मेरी जुबानी नहीं है, ये जुबानी उनकी है। हाँ हद तक ये राइट भी है, ये भी बता दे रहा हूँ। क्या सीन होता है कि अगर आप मेरे में जो वीज़ा का नंबर का, जितने वीज़ा का नंबर लगा है, आप उस वीज़ा के नंबर के तहत आप उसी कंपनी को छोड़ के उसी लाइन में जा सकते हो। अब लो मुझे ये कंपनी में नहीं काम करने का मन कर रहा है जिसमें मैं अभी कर रहा हूँ, बट मेरा जो प्रोफेशन है वो फूड को हैंडल करना है, फूड लाइन में है, बर्गर, पिज्ज़ा, मैकडोनल्ड्स, तो मैं उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में मगर फूड कॉफ़ी शॉप में जा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। अगर मैं सोच रहा हूँ भाई साहब मैं आया हूँ पिज़्ज़ा लेके फूड बर्गर वाला सब ये करने के लिए फूड लाइन में, और मैं सोच रहा हूँ जाता हूँ अभी इंजीनियरिंग लाइन में घुस जाता हूँ या फिर ड्राइव टेक्निकल लाइन में घुस जाता हूँ, तो फिर पुलिस पकड़ेगी ना, बम्बू दे देगी, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक बताया हुआ है भाई साहब तुम्हारा ये प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन पे तुमको काम करना है, वो चाहे कोई भी हो सकता है, मतलब वो फूड से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग में काम कर सकते हो, अगर कहीं और ड्राइविंग में आ रहे हो तो ड्राइविंग में ही काम कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं मातम वर्ड यूज करूँगा तो आप क्या समझेंगे? मैं मातम में जा रहा हूँ, हाँ क्या समझेगा बताओ? तो यहाँ पे उल्टा ही है भाई साहब, ये अरेबिक है क्योंकि, ये कुवैत है क्योंकि,
तो यहाँ पे क्या बोलते हैं बताया क्या बोलते हैं कि मैं मातम से अभी आया, मतलब मैं अपने शॉप से अपने जॉब से अभी आया। तो मैं पहली बार बोला ये लोग क्या मातम मातम कर रहे हैं भैंस की आग, मेरी अम्मा तो गाली देगी अगर सुनेगी तो, मातम क्या है। नहीं तो ये अरेबिक वर्ड है, मैं मातम से आया, मातम सक्का है, मातम बंद है। फिर उसके बाद में बहुत सारे वर्ड जो सीखने मिलते हैं, तो ये अलग तरीका का एक सिनारियो है। सच में ऐसे ऐसी चीज सीखने मिल जा रही है, उसमें मेरे को तो मजा आ रहा है। और बाकी आप बताओ आपको कैसा लगता है मेरी वीडियो, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं चाहता हूँ कि ना मैं इधर बैठूँ उधर बैठूँ उधर ऐसा घूमते हुए सब वीडियो बनाऊँ, बट टाइम की किल्लत वही सीन है, मेरा रोना यही रहेगा टाइम की किल्लत। बट उस किल्लत के बावजूद भी मेरा वीडियो बनाना लाजिम है, चाहे जो हो जाए वीडियो बनाना लाजिम है। होएगा धीरे धीरे होएगा, अच्छा क्वालिटी अच्छा कॉन्टेंट लेके आऊँगा और भी ज़्यादा। चलते फिरते मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी, और बाकी तो बढ़िया है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना अच्छा। बताओ अगर आपने जाते जाते मेरे को अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, जल्दी से कर लो भैया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते हो मेरे साथ में, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा।